अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा और उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं पूरे देश में क्यों नहीं हो रही मैं नहीं जानता। एक एक करके आंकड़े को देखिएगा समझिएगा, हैरान करने वाले आंकड़े हैं ये, हैरान और परेशान करने वाले। अब प्लीज इसको देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। आंकड़ा नंबर एक, 9.5 लाख भारतीयों ने पिछले 7 साल में देश की नागरिकता छोड़ दी। 9.5 लाख से ज्यादा भारतीयों ने 7 साल में देश की नागरिकता छोड़ दी। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दूं? एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज दीजिएगा जवाब। और लगभग 1.5 लाख ने, 1.5 लाख ने 2021 में ही भारतीय पहचान को त्याग दिया। 2021 में ही भारतीय पहचान को त्याग दिया। वैभव जी, ये न्यू इंडिया अमृतकाल, ये भारत छोड़ने की नौबत क्यों आ रही है अमृतकाल में, क्यों आ रही है? बहुत बढ़िया, अब मैं बोलूं? अगर आप टोकेंगे नहीं तो मैं बोलता हूं। पहले नहीं, आप बोल रहे हैं, सवाल जरूरी है, मैं सवाल पूछूंगा, प्लीज अपनी बात रखिए। 2014 से पहले भारत का जो आदमी होता था, भारत का जो कारीगर होता था, उसको बाहर इज्जत नहीं मिलती थी। अच्छा, उसको बाहर तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसको बाहर वीजा नहीं मिलता था, वर्क वीजा लेना आसान नहीं है। मेरे पास 2 कंट्री के वर्क वीजा है, वर्क वीजा लेना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं टैक्स पेयर भारत में हूं। तो क्या है कि जितने ज्यादा लोग, भारत की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, 6-7 साल में भारत चाइना को क्रॉस कर जाएगा, है ना, तो क्या है, जितने भारत लोग बाहर जा रहे हैं बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो बाहर जाके भारत में निवेश ला रहे हैं, निवेश ला रहे हैं, वो हमेशा के लिए भारत छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन साल 2021 में 1,63,370 भारतीय नागरिकता छोड़ देते हैं, जबकि साल 2020 में 85,256 नागरिकता छोड़ देते हैं। मैं आंकड़ों के हिसाब से बढ़िया कर रहा हूं, बहुत बढ़िया है क्या, लेकिन इस पे बहुत बढ़िया है, लेकिन तिलक भाई इस पे बहुत डिटेल में अपने को डिस्कशन, और मैं तैयार हूं डिबेट के लिए, कल अपन डिबेट इस पे रख सकते हैं। नहीं मैं, आप बोलो, मैं कल नहीं कल अपन 1 घंटे की डिबेट करेंगे इसके ऊपर। मेन तस्वीर क्या, ये चौपट अर्थव्यवस्था का नतीजा है ये जो सब कुछ, ये चौपट अर्थव्यवस्था का नतीजा नहीं है, ये नतीजा है बढ़िया इज्जत का और बढ़िया अर्थव्यवस्था का। आप सोचे कि जो बाहर नागरिक जा रहा है भारत का काम के लिए, वो वहां से निवेश कितना कर रहा है भारत में, आप पकड़ ही नहीं रहे हैं बात को। अच्छा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, सिक्के के 2 पहलू में आपने एक पहलू बताया, दूसरा पहलू बता देते हैं आप। मेन आंकड़ा होगा, मेन आंकड़ा कमेंट ले रहा हूं सिर्फ आपसे, क्या ये सब आंकड़े हैरान परेशान करते हैं कि नहीं? अगर ये नागरिकता छोड़ रहे हैं, 2015 में 1,41,000, 2016 में 1,44,000, 2017 में, जब कोरोना काल के बाद की बात कर रहा हूं, ये आंकड़े कम होते गए, लेकिन 2019 में 1,44,000 से ज्यादा, 2020 में 85,000, 2021 में 1,63,000, कुल मिलाकर 9,32,276 भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में बात कर रहा हूं। प्लीज, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये भी समझें कि बाहर डॉलर में कमा रहा है आदमी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका पूरा निवेश हमारे भारत में आ रहा है, और 9 लाख लोग अगर भारत से गए भी हैं, तो आप ये क्यों भूल रहे हैं कि भारत में 150 करोड़ लोग हैं। अच्छा, आपको पता है चिलक भाई, मैं आपको एक अचंभित करने वाला आंकड़ा देता हूं मैं, सुनिए एक मिनट। भारत में हर मिनट 20,830 बच्चे जन्म लेते हैं, हर मिनट। तो 20,830 बच्चे। सर मेरा वीजा भी लगवा दो बाहर का। मैं कैसे भाई साहब, मेरी कंपनी में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आ जाओ, स्वागत है आपका, ऐसा आपकी है सर। दिक्कत ये है ना, कब ज्वाइन करना होता तो कब का कर लेता सर, ऑफर तो मुझे खैर